आज का क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये हमने अपनी डेली लाइफ में बहुत बार देखा है, और जिन्होंने फिजिक्स अच्छे से पढ़ी होगी उनको पता होगा कि जो वेट की जो दरअसल यूनिट है वो क्या है, हमारी न्यूटन है। तो यही हमारा क्वेश्चन है कि जब जो हमारा वेट की यूनिट है वो न्यूटन होती है तो हम इसे जो डेली लाइफ में मेजर करते हैं उसको किलोग्राम में क्यों मेजर करते हैं। तो देखो, एक चीज हमारे पास क्या होती है, एक होती है मास और दूसरा क्या होता है वेट। जो मास की यूनिट होती है वो क्या होती है किलोग्राम, और जो वेट की यूनिट क्या होती है वो क्या होती है न्यूटन। ठीक है, इसे और आसान बनाने के लिए इसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया था, एक ग्रेविटेशनल यूनिट में। ठीक है, इसलिए जो वेट की जो ग्रेविटेशनल यूनिट होती है वो क्या होती है किलोग्राम फोर्स। ठीक है, अब इस किलोग्राम फोर्स समझते हैं कि ये क्या है। मान लीजिए कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है 1 किलोग्राम। ठीक है, 1 kg, कोई भी ऑब्जेक्ट है इसका मास क्या है 1 किलोग्राम। तो अगर उसको वेट मेजर करेंगे तो क्या कैसे करेंगे, डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है mg। यहाँ पे m की जगह पे हम क्या लिख देते 1, और g की जगह पे g की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 9.8। तो जो इसका वेट निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 9.8 न्यूटन। ठीक है, अब अगर हमने चाहे इसको तो देखो ये क्या है हमारा किलोग्राम फोर्स। देखो तो इसको हम डायरेक्ट लिखे, देखो यहां पे क्या था हमारा 1 किलोग्राम क्या था मास था, अगर उसको जब हमने फोर्स में कन्वर्ट किया वेट में कन्वर्ट किया तो ये क्या है 9.8। इसका मतलब क्या है कि जो 1 किलोग्राम मास का जो ऑब्जेक्ट था वो कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, अगर मान चलो वो धरती की यहाँ पे अर्थ की सर्फिस पर रखा हुआ है तो अर्थ की सर्फिस पर कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा 9.8 न्यूटन का फोर्स एग्जर्ट करेगा। तो इसी को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया किसमें किलोग्राम फोर्स में। तो डायरेक्टली जैसे वन यहां पे 1 किलोग्राम कोई मास है तो उसको डायरेक्टली क्या लिख दिया 1 kgf। इसको समझने के लिए बस ये क्या है कि अगर कहीं पर भी 1 kgf 2 kgf 5 kgf लिखा है, मतलब जैसे 5 kgf लिखा है कहीं पे, तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी उसका वेट कितना है, कि कोई भी जो 5 kg मास का ऑब्जेक्ट रहेगा वो किसी भी सरफेस पर या पे अर्थ पर कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा। दरअसल उसका मीन क्या है, कितना फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। ठीक है, अब इसकी यूनिट क्या थी हमारी किलोग्राम फोर्स हो गई थी। ठीक है, यहाँ पे इसकी ग्रेविटेशन यूनिट, तो इसी को हमने मतलब डेली लाइफ में एडॉप्ट कर लिया। ठीक है, तो जब भी हम कहीं भी वेट मेजर करते हैं तो वहां पे डायरेक्ट हम क्या किलोग्राम किलोग्राम ही लिख कर आते हैं, पूरा हम एफ किलोग्राम एफ लिख कर नहीं आते, लेकिन दरअसल वो क्या होता है हमारा kgf। जैसे मान लीजिए कहीं से भी हम 1 kg शुगर लेके आए तो दरअसल में कितनी होती है 9.8 न्यूटन होती है। अब अगर हमें मास देखना है उसका तो हम डायरेक्टली क्या करते थे उसको 1 kg शुगर लिखते थे यहाँ पे, मतलब क्या था कि जो 1 kg शुगर मतलब 1 किलोग्राम मास उस पर इतना फोर्स अप्लाई कर रहा है, मान लीजिए कोई भी 1 किलोग्राम मास का कोई ऑब्जेक्ट है वो किसी भी या अर्थ पे जितना भी फोर्स एग्जर्ट कर रहा है वो किसके इक्वल है यहाँ पे 1 kg शुगर के इक्वल है, मतलब ये 1 kg शुगर अर्थ पर कितना फोर्स एग्जर्ट करेगी 9.8 न्यूटन। तो 1 kg जिसका जो वेट रहेगा वो कितना रहेगा 1 kgf। ठीक है, यही इसका लॉजिक है कि जो वेट होता है उसकी यूनिट न्यूटन होती है, पर हम उसको डेली लाइफ में किससे मेजर करते हैं किलोग्राम मेजर करते हैं, और वो किलोग्राम नाउ के डायरेक्ट क्या होता है किलोग्राम फोर्स होता है।